कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। हितग्राहियों को बैंकों का बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, ऐसी कार्य प्रणाली क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना में विदिशा निकाय प्रदेश में पहला स्थान हासिल करे, इस कार्य में बैंकर्स पीछे ना रहे। किसको दे रहे हो? सर्वे ग्रुप से दे रहे हो, महिलाओं का समूह है वो। अगर आप उनको बार बार चक्कर लगाओगे, वो वहीं पे ब्रांच में जाएंगी और फिर आपके खिलाफ शिकायत करेंगी, फिर वो वीडियो सारे देश में चलेगी। तो ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, और कोई ये बहुत बड़ा लोन आप देते नहीं हो और उसके बाद भी तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं, किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बार बार बैंक नहीं बुलाना जाना चाहिए कि यहाँ सही टूट गया, वहाँ सही टूट गया। एक बार बुलाइए, हर तरह की फॉर्मेलिटीज वहाँ पे कराना। आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉमेडी मत कराइए, बट हैसल भी होना चाहिए। एक बार बुलाइए, अगर आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है हमारे, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, ये डीपीएम है, आप इनसे बात करिए। मेरी बैठक में बिना प्रयास के आप ये नहीं कहेंगे कि वो आया नहीं समूह, फोन नहीं उठाया। भाई वो नहीं उठाया उसने फोन, तो आप इनको बताइए कि ये मेरे पास पोर्टल में इशू हो रहा है, इसका क्या करना है, संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी से। ये अपने लेवल पे आपकी कवायद होनी चाहिए। यहाँ पे आके सब नहीं बताएंगे कि संपर्क नहीं हो पाया, वो आए नहीं, वो इसका ध्यान रखिए। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि 435 अपनी एप्लीकेशन पेंडिंग दिख रही है, इनको कम से कम 30 सितंबर तक डिस्पोज ऑफ कर दें, ताकि आगे यानी हमारा टारगेट है वो लगभग 50% के करीब हम पहुंच जाए। कहीं किसी को असुविधा होती है आप संबंधित व्यक्ति से बात कर लें, अगर नहीं हो रहा समाधान तो आप मुझे जरूर बता दें कि क्या पोर्टल पे। आज तक मेरे पास किसी पोर्टल की या किस तरह की समस्या नहीं आई कि आप लोग कहीं परेशान हो रहे हैं, लेकिन बैठकों में इस तरह की बातें करने का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। ₹1000 चुकता कर देगा, फिर आप 20000 देते हो, कृपया करके इस तरह की अनावश्यक टेक्निकलिटीज ना लगाना। भारत सरकार की भी यही मंशा है, राज्य सरकार की भी यही मंशा है। तो जब भारत सरकार की ये मंशा है तो आप और हम इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी बिना मतलब के ना लगाए। नहीं, जो भी पॉइंट है आप एलियम से रेज करिए और विभाग को बताइए। जब बाकी सभी कर रहे हैं तो आप अनावश्यक उसमें कोई चीज कंडीशन नहीं मतलब है, क्योंकि ये स्कीम ऑलरेडी लास्ट 2-3 ईयर से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। अब तक ये स्कीम सर्कुलेट हो चुकी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एप्लीकेशन आएगा, जो दस्तावेज आपको चाहिए वो लगे रहेंगे, आप देर एंड देर सेंक्शन हो जाएंगे, क्या चाहिए बाकी कुछ नहीं। अनावश्यक कोई सिविल स्कोर, पैन कार्ड, इस तरह के लफड़े नहीं चाहिए वहाँ। अभी 50000 में 33 में अपने पूरे जिले का वितरण किया, स्तंभित 57 है। नियम साहब, पीएम स्वनिधि में खासकर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा आपको मालूम भी होगा, नेशनल लेवल का अवार्ड मिला, उसमें विदिशा नगर पालिका और विदिशा की जितनी नगरीय निकाय हैं जिले के, उसको मैं चाहता हूँ कि एमपी में टॉप करें, लेकिन उसमें बैंकर का सहयोग चाहिए। और जो स्वनिधि की टीम है नगरीय निकायों की, एप्लीकेशन आपके पूरे ड्यू डिलीजेंस के साथ कंप्लीट होकर ब्रांचेज में पहुँचना चाहिए। अनावश्यक कोई वहाँ पे कमी नहीं रहनी चाहिए फॉर्म्स में, फालतू का वो वेंडर भी परेशान होगा और जो है बैंक को भी तकलीफ आती है। जो भी उसमें चीज़ें लगनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है आपका, वो सब ड्यूली फॉर्म फिल होने चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप फॉर्म्स पहुँचाइए वहाँ, ठीक है। जो भी टारगेट मिला है उसका डबल होना चाहिए।